शहर के रविंद्रनाथ गृह में बुधवार को DIG हरि नारायण चरी मिश्रा, निगम आयुक्त प्रतिभा पाल सहित प्रशासनिक मक्का में ये तमाम आला अधिकारी व स्वास्थ्य विभाग वन विभाग कर्मियों के बीच एक महत्वपूर्ण बैठक हुई। कलेक्टर मनीष सिंह ने बताया कि राज्य शासन के निर्देश पर 1 जुलाई से 15 जुलाई तक किल कोरोना कैंपेन चलाया जा रहा है। इस संदर्भ में यह बैठक आयोजित की गई है, जिसमें प्रशासनिक अधिकारियों सहित जनप्रतिनिधियों ने हिस्सा लिया। अभी तक बुखार को एक बड़ा प्रारंभिक लक्षण माना जाता था कोरोना के होने के मामले में। अगर पिछले 2 महीने में किसी को बुखार हुआ तो शायद उसके दिमाग में पहला सवाल एक आशंका होती थी कि कोरोना से संक्रमित नहीं होगा, लेकिन अब हम जानते हैं कि बरसात का मौसम शुरू हो रहा है और इस मौसम में सामान्य तौर पर डेंगू और मलेरिया एक बड़ी बीमारियां हैं जो कि हर साल लाखों लोगों को होती है। ऐसे में अंतर पैदा कर पाना, लोगों के बीच में भ्रम को दूर कर पाना, ठीक ढंग से सर्वे कर पाना, ये बड़ा आवश्यक है और इसके लिए अभी किल कोरोना जो अभियान आज से शुरू किया गया है, यह इस लड़ाई का एक दूसरा चरण है, जिसमें मुख्य तौर पर पुलिस के जवान भी रहेंगे। अभी जो प्रारंभिक है इसमें सार्थक एप्लीकेशन के माध्यम से जो आशा कार्यकर्ता है, जो आंगनवाड़ी कार्यकर्ता है, इसमें सर्वे करेंगे, साथ साथ में पुलिस के जवान भी रहेंगे और उद्देश्य होगा कि हर व्यक्ति को प्रारंभिक लेवल पर सर्वे किया जाए, उसे जागरूक किया जाए, उसे एक सामान्य जो बुखार है जो कि एक सिर्फ बुखार हो सकता है और एक कोरोना से संक्रमित बुखार जिसमें इस बात की संभावना ज़्यादा है वो सर्दी खांसी से युक्त होगा, इन चीज़ों के बीच के अंतर को स्पष्ट किया जाए ताकि हमारी जो अगली लड़ाई का जो दूसरा चरण है वो भी उसमें मजबूती से आगे निकल सके। सर, सुरक्षा की दृष्टि से रहेंगे जवान या कि उसमें असिस्ट भी करेंगे? सर, उसमें असिस्ट करेंगे, उनको अगर कोई ज़रूरत होगी, उनको किसी भी तरह की अगर मदद की ज़रूरत हो उसको करेंगे या फिर जहां वो कहेंगे वहां लोकल थाने से लोग जाएंगे। पूरी प्रक्रिया में उद्देश्य है कि पूरी टीमें सारी जो प्रशासनिक प्रसिद्धि है, पुलिस की प्रसिद्धि है, इस लड़ाई के विरुद्ध एकजुट होकर लड़ाई है। मुख्यमंत्री जी ने और शासन ने निर्देश दिए हैं कि 1 से 15 तक पूरे प्रदेश में किल कोरोना अभियान चलेगा। उसमें हम लोग पिछले 5-6 दिनों से लगभग 5,000 स्टाफ को, सर्वे टीम्स को और ऊपर की जो दल हैं पायलट टीम्स, उनको ट्रेनिंग दे चुके हैं। आज फाइनल ब्रीफिंग सेशंस था, इसमें सभी कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग टीम्स को बुलाया गया था, RRTs को बुलाया गया था, सर्विलेंस डॉक्टर्स को बुलाया गया था, सभी SDM ADM थे और इनको फिर से फाइनली ब्रीफिंग की है हम लोगों ने, किस प्रकार से कोरोना के पेशेंट्स को आइडेंटिफाई करना है, किस प्रकार से सार्थक ऐप में एंट्री करनी है और किस प्रकार से उनका अगर ज़रूरत पड़े तो हॉस्पिटलाइजेशन करना है या उनका ट्रीटमेंट करना है। इसी प्रकार इस अभियान में एक खास बात ये भी है कि कोरोना के साथ साथ मलेरिया और डेंगू के भी आइडेंटिफिकेशन हम लोग कर रहे हैं, उसके लिए भी पैरेलल टीम्स लगाई गई हैं। 15 दिन तक हम लोग मलेरिया और डेंगू के आइडेंटिफिकेशन करके मलेरिया की सैम्पलिंग टेस्टिंग मौके पर ही हो जाएगी और उसको अगर मलेरिया निकलता है तो मौके पर ही इलाज दे दिया जाएगा, दवाइयाँ दे दी जाएंगी उसको। डेंगू के लिए अगर सस्पेक्टेड डेंगू है तो उसको फीवर क्लिनिक पे ब्लड टेस्ट होगा, सैंपल होगा और उसके बाद फिर उसका उसके बारे में निर्णय लिया जाएगा कि उसको तबीयत के हिसाब से कि हॉस्पिटलाइज करना है कि घर पे दवाई देकर ट्रीटमेंट करना है। तो ये पूरी ब्रीफिंग आज फाइनल ब्रशअप सेशन था ये, जिसमें कि माननीय सांसद जी भी थे, डॉक्टर निशांत खरे भी थे जो स्टेट कोऑर्डिनेशन कमेटी कोविड के मेम्बर हैं, और सभी लोगों को ब्रीफिंग फिर से की गई है और सभी को शुभकामनाएं देके हम लोगों ने आज से रवाना किया है किल कोरोना अभियान के लिए। इंदौर से सतीश शर्मा की रिपोर्ट।